सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नई नई राजनीतियां नए नए तरीकों से आपको दिखाई देते आ रही हैं। वहीं बहन कुमारी मायावती ने मोदी जी के गंगा स्नान पर कहा है, आपके सारे पाप एक बार के स्नान से नहीं धुलने वाले हैं। मायावती ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि गंगा स्नान से पाप नहीं धुलेंगे। मायावती ने चुटकी लेते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा कि आपके 4 साल के कार्यों से त्रस्त है जनता और आपके एक बार के गंगा स्नान से भला नहीं होने वाला देशवासियों का। अगर आपने काम कर लिया होता तो आज गंगा नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। मायावती ने चुटकी लेते हुए फिर कहा कि आपके 4 साल के कार्य को जनता अच्छे से बखूबी पहचान गई है, अब आपको दोबारा मौका देने वाली नहीं है। बहन कुमारी मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा कि चुनाव के समय संगम में शाही स्नान करने से मोदी सरकार की चुनावी वादा खिलाफी जनता से विश्वासघात व जुल्म ज्यादती व पाप क्या धुल जाएंगे, नोटबंदी GST में फंसे और मरे लोगों का क्या उद्धार हो पाएगा, जातिवाद देश व सांप्रदायिक आदि की जबरदस्त मार से त्रस्त लोग क्या BJP को इतनी आसानी से माफ कर देंगे। वहीं लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि स्टूडियो में बैठाकर पैर धोने का अच्छा ड्रामा कर लेते हैं मोदी सरकार। लोगों ने अपने ट्वीट में यहां तक कहा है कि रोने से काम नहीं चला तो धोने का सहारा ले लिया है मोदी सरकार ने, दलितों के साथ क्यों ऐसा नाटक करते हैं ये नेता। वहीं डिंपल यादव ने भी अपने ट्वीट से कहा है कि अखिलेश जी और बुआ जी की लोकप्रियता से योगी मोदी जी की डर रहे हैं मोदी सरकार। ऐसे ही बहुजन समाज की खबरों पे नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाएं और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि सभी खबरें पहुंच सके आप पे सबसे पहले। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज की ताकत को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।